लापता हुई ईशा तो वहीं पर सवी और ईशान इस बीच आ गए हैं करीब। वेल दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ईशान और सवी आज दोनों के दोनों क्लोज आने वाले हैं। उन दोनों की नजदीकियों को देखते हुए फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ने वाली है। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा जब ईशान की बाहों में सवी होगी। आज तो ये बात ईशान भी खुद कहने वाला है कि सवी तुम बार बार इधर उधर चलती हो, इस वजह से ऐसे गिरती पड़ती रहती हो। लेकिन भाई सवी गिरे भी क्यों ना, ईशान उसको बचाने के लिए जो है वहीं पर आपने देखा कैसे ईशा की मौत अभी नहीं हुई है, क्योंकि ईशा की मौत में अभी बहुत सारे सस्पेंस छुपे हुए हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी सीरियल के आने वाले ट्रैक में होंगी। तो चलिए बताते हैं क्या क्या होगा। वह सबसे पहले आज आप देखेंगे किस तरह ईशान सभी दोनों मिलकर अब ईशा को ढूंढ रहे हैं। जहां सभी ने ईशान को गिल्टी कर दिया है, तो ईशान भी अब चाहता है कि वो अपनी आई को ढूंढे। अब दोनों के दोनों बहुत सारे पोस्टर्स बनवाने वाले हैं। अब देखेंगे कैसे ईशान एक तरफ सभी दूसरी तरफ, दोनों ईशा को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। ईशान ने ईशा के लिए लापता के पोस्टर्स भी बनवाए हैं। वहीं पर ईशान सभी से कहता हुआ नजर आया, तुम बोलती हो ना कि मुझे अपनी आई की याद नहीं आती, मुझे इससे याद नहीं आती क्योंकि मेरे पास प्यार करने वाले और भी कई सारे लोग हैं। सभी इन बातों पर कुछ नहीं कहती, क्योंकि सभी ये भी जानती है कि ईशान की फैमिली उसे ही कितना बड़ा धोखा दे रही है। सोचिए जब ये सच्चाई ईशान के सामने आएगी कि जिस पर वो इतना भरोसा करता है, जिन्हें वो अपना मानता है, अपनी आई को भी उनके लिए ठुकराता रहता है, वही लोग ईशान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो ईशान के लिए ये सबसे शॉकिंग की बात होने वाली है। मैं आपको बता दें, अब ईशान जो है वो भी पोस्टर इधर उधर लगाता हुआ नजर आएगा और सभी भी पोस्टर लगाती हुई नजर आएगी। उन लोगों को ईशान की याद आएगी। भाई शांतनु को वो लोग कहते हैं कि आप शांतनु सर चिंता मत कीजिए कि ईशा मैम जो है जल्द ही मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कैसे इसी बीच ईशान जो है ऑटो वालों से बात कर रहा है और भाई सबसे पूछ रहा है कि क्या मैं पोस्टर लगा दूं, और पूरे में पागलों की तरह ईशा के पोस्टर लगाए जा रहा है। भाई सभी भी यही कर रही है। अब सभी जो है एक दीवार पर पोस्टर लगाती है, वही उसका पैर पत्थर में अटक जाता है। पीछे से ईशान आता है, तुरंत सभी के अपनी बाहों में ले लेता है। और जब ये सीन आता है तो भाई फैंस के बीच में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है, क्योंकि फैंस तो चाहते हैं कि सभी ईशान एक हों। लेकिन इस तरह से सभी ईशान एक होंगे ये किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। लेकिन जिस तरह सभी ईशान की आंखों में, ईशान सभी की आंखों में खोए हैं, ये सीन देखकर बहुत अच्छा लगा है। वही थोड़ी ही देर बाद ईशान जो है सभी को खड़ा करता है और कहता है तुम ढंग से देख कर चला करो, यानी कि ईशान को भी सभी की फिक्र तो जरूर है। अब ईशा का क्या होगा ये तो आने वाले ट्रैक में ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।